वेलकम टू हिमाचल कॉम्पिटेटिव। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग JOIIT पोस्ट कोड 903 का पूरा कंप्यूटर सेक्शन डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने जीके का सेक्शन कवर नहीं किया है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल लाइज बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर। तो फिजिकल और नेटवर्क लेयर में कौन सी लेयर आती है? डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट देखते हैं, विच लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग ऑफ पैकेट्स ओवर नेटवर्क। तो पैकेट्स को नेटवर्क में राउट करने के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शन सी, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट देखिए, अ वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी दैट इज कोलैबोरेटिवली एडिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंसर्न्ड कम्युनिटी इज कॉल्ड अ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विकी। नेक्स्ट देखिए, द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम रिजर्व्ड फॉर अनलाइसेंस्ड यूजर इज कॉल्ड डैश बैंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ISM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंप्यूटर कैन कैप्चर ऑल पैकेट्स बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडियम बाय सेटिंग द नेटवर्क इंटरफेस इन डैश मोड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोमिस्कस मोड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IPv4 एड्रेस। तो इनमें से कौन सा एड्रेस इनवैलिड है? ऑप्शन डी, 192.168.1.270। आपको पता है कि IP एड्रेस जो है IPv4 में मैक्सिमम 255 तक हो सकता है, यहाँ पे 270 है, यानी कि ये इनवैलिड होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व्ड बाय IANA फॉर प्राइवेट यूज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 192.168.00 to 192.168.255.255। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मल्टी मोड। दो टाइप की ऑप्टिकल फाइबर केबल आती हैं, एक आती है सिंगल मोड, दूसरा मल्टी मोड। नेक्स्ट देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टर्म WEP यूज्ड इन Wi-Fi सिक्योरिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मे नॉट कॉज स्टार्वेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन क्यों होगा? क्योंकि राउंड रॉबिन जो है सभी टास्क को थोड़ा थोड़ा टाइम देता है, तो इस वजह से स्टार्वेशन नहीं आती है इसमें। नेक्स्ट देखिए, अ डैश इज अ मेमोरी एरिया दैट स्टोर्स द डाटा व्हाइल इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन टू डिवाइसेस और बिटवीन अ डिवाइस एंड एन एप्लीकेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बफर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विंडोज XP। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विंडोज 10 हाउ कैन वन स्नीक अ पीक एट द डेस्कटॉप विदाउट क्लोजिंग और मिनिमाइजिंग ऑल द ओपन विंडोज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाय मूविंग द माउस कर्सर एट द एंड ऑफ टास्क बार। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्ट मेथड टू मिनिमाइज ऑल अदर विंडोज एक्सेप्ट द वन यू विश टू कीप विजिबल इन विंडोज 10। तो विंडोज 10 में अगर आपको सभी विंडोज जो है मिनिमाइज करनी है सिवाय एक्टिव विंडो के, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? बाय ग्रैबिंग द विंडोज टाइटल बार यूजिंग माउस एंड शेकिंग इट। विंडो का टाइटल बार पकड़ना है और उसको शेक करना है, तो बाकी की विंडोज मिनिमाइज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, इन विंडोज 10 द डैश प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू नोटिफिकेशंस, टॉगल बैटरी सेवर मोड, चूज अ नेटवर्क एंड एक्सेस टैबलेट मोड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक्शन सेंटर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन व्हेन अ कंप्यूटर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, हैंग। नेक्स्ट देखिए, अ डैश इज अ सिचुएशन दैट अराइजेज व्हेन टू थ्रेड्स एक्सेस अ शेयर्ड वेरिएबल साइमल्टेनियसली एंड द फाइनल वैल्यू इन द वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड इंस्ट्रक्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेस कंडीशन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज फाइल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, APK। नेक्स्ट देखिए, रेड हैट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द लिनक्स कमांड टू डिलीट अ फाइल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, RM। /n reads one statement at a time, translates it into machine code, execute and then goes to next statement of the program. तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरप्रेटर आपको पता है कि लाइन बाय लाइन जो है ट्रांसलेट करता है। Which uses mnemonics for machine instruction and names for CPU registers and memory locations. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वॉज इन्वेंटेड बाय Guido van Rossum। तो Guido van Rossum ने पाइथन इन्वेंट की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूजेस द कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। तो क्लासेस का कंसेप्ट कहाँ पे यूज किया जाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द फ्लो चार्ट शोन बिलो परफॉर्म। तो ये फ्लो चार्ट क्या चीज परफॉर्म करेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंप्यूट फैक्टोरियल। नेक्स्ट देखिए, हाउ विल यू क्रिएट अ परफेक्ट सर्कल यूजिंग ओवल टूल इन MS PowerPoint।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाय होल्डिंग शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग माउस टू ड्रॉ ओवल। तो जब भी आप ओवल को ड्रॉ करने के लिए माउस को ड्रैग करेंगे तो शिफ्ट की साथ में अगर दबाएंगे तो परफेक्ट सर्कल ड्रॉ होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनिमेशन इन एमएस पावर पॉइंट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रोटेशन। नेक्स्ट देखिए, द डैश व्यू शोज करंट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड एंड स्पीकर नोट्स एंड अ टाइमर टू हेल्प द प्रेजेंटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रेजेंटर व्यू। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द करेक्ट कैरेक्टर सीक्वेंस टू बी टाइप्ड इन इक्वेशन एडिटर इन एमएस वर्ड टू इंसर्ट द मैथमेटिकल फॉर्मूला समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n और फिर उसके बाद n। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द नेम्स ऑफ टू फिक्शनल कैरेक्टर्स कॉमनली डिपिक्टेड एज यूजर्स टू डेमोन्स्ट्रेट क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स एंड प्रोटोकॉल्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बॉब एंड एलिस। नेक्स्ट देखिए, प्लेन टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डैश बाय अप्लाइंग एन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट को आप साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके ऊपर एनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा के। फिर देखिए, बिटकॉइन एंड इथेरियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इन HTML डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इनपुट टैग। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टैग इन HTML5। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चेकबॉक्स। नेक्स्ट देखिए, विच लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इन HTML डॉक्यूमेंट्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज्ड टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, OL, यानी के ordered list। नेक्स्ट देखिए, विच HTML टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ सेल इन टेबल रो। तो टेबल रो में अगर कोई सेल क्रिएट करनी है तो उसके लिए TD टैग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाउ विल यू एड अ टूल टिप टू एन HTML एलिमेंट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूजिंग टाइटल एट्रीब्यूट। अगला देखिए, विच HTML टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट में हॉरिजॉन्टल लाइन को इंसर्ट करने के लिए हम HR का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए द HTML एंटिटी टू इंसर्ट अ लेस देन सिंबल इन HTML डॉक्यूमेंट इज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एंड LT और फिर सेमीकॉलन। और अगर ग्रेटर देन का सिंबल इंसर्ट करना है तो फिर हम यूज़ करेंगे एंड GT सेमीकॉलन। एंड HTML कमेंट इज इनक्लोज्ड इनसाइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ टेक्स्ट इन H1 HTML एलिमेंट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2 em। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। नेक्स्ट देखिए, हाउ विल यू सेलेक्ट द आउटलाइन कलर ऑफ शेप इन माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाय होल्डिंग द शिफ्ट की व्हाइल सेलेक्टिंग द कलर फ्रॉम द पैलेट। नेक्स्ट देखिए, विच यूटिलिटी इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टू क्रिएट डिस्क पार्टीशनिंग रिसाइज पार्टीशंस एंड फॉर्मेट पार्टीशंस ऑन स्टोरेज ड्राइव्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डिस्क पार्ट। नेक्स्ट देखिए, विच टूल बार इन एमएस वर्ड 2013 बाय डिफॉल्ट कंटेन्स 3 कमांड्स, सेव, अंडू एंड रीडू। तो सेव, अंडू और रीडू कहाँ पे मिलेंगे आपको, क्विक एक्सेस टूल बार में। नेक्स्ट देखिए, विच इज द शॉर्टकट की टू रीडू द अंडन चेंजेस इन एमएस वर्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, Ctrl+Y। नेक्स्ट, प्रेसिंग डैश रिमूव्स द कैरेक्टर लेवल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो कैरेक्टर लेवल फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए आपको Ctrl+Space दबाना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, APA शिकागो एंड MLAR स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, विच टैब इन एमएस वर्ड प्रोवाइड्स ऑप्शंस फॉर टेबल कंटेंट्स, फुटनोट्स एंड साइटेशंस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेफरेंसेस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेट लाइन स्पेसिंग ऑफ 1.5 इन एमएस वर्ड पैराग्राफ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, Ctrl+5। अगला है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू शो रिप्लेस डायलॉग इन एमएस वर्ड। तो रिप्लेस के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+H। नेक्स्ट 54 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग अ मैक्रो इन एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में मैक्रो को प्रोग्राम करने के लिए विजुअल बेसिक का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट है, विच इज अ सॉफ्टवेयर टूल इंक्लूडेड इन एमएस वर्ड दैट प्रोवाइड्स सिनोनिम्स फॉर सिलेक्टेड वर्ड्स। तो सिनोनिम के लिए आप किस टूल का यूज करते हैं, थेसॉरस टूल का। नेक्स्ट है, बाय यूजिंग डैश ऑप्शन व्हाइल प्रिंटिंग मोर देन वन कॉपी ऑफ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट द प्रिंटर विल प्रिंट ऑल द पेजेस ऑफ ईच कॉपी बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट कॉपी। तो इसके लिए कॉलेट का यूज किया जाता है, कॉलेट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 57, एंटरिंग द नंबर 0 इन अ सेल इन एक्सेल शीट एंड फॉर्मेटिंग इट एज डेट
विल शो, तो इसका सही जवाब वैसे जैन 0 1900 होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है January 1, 1900, तो और यहाँ पे दिया है January 0, 1990, तो इनमें से दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन सी या ऑप्शन डी अगर आपने कोई भी टिक किया है तो आपको इसका ग्रेस मार्क मिल जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप जीरो इनपुट करते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग एज अ डेट करते हैं तो फिर आपको जो आउटपुट आती है वो होगी January 0, 1900, ना कि 1990। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द लेटर आर मीन्स इन CDR डिस्क, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट देखिए, विच लेयर इन TCP/IP नेटवर्क यूजेस सेगमेंट्स एज ट्रांसफर यूनिट, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी डाउटफुल ही है, क्योंकि नेटवर्क लेयर जो है वो सेगमेंट्स का यूज करती है एज अ ट्रांसफर यूनिट, और TCP और IP दोनों ही नेटवर्क लेयर में यूज होने वाली प्रोटोकॉल्स हैं, तो फिजिकल लेयर तो नहीं हो सकता, एप्लीकेशन लेयर भी नहीं हो सकता, इतना तो श्योर है। अब TCP और IP कोई लेयर नहीं है, ये प्रोटोकॉल्स हैं जो कि यूज की जाती है नेटवर्क लेयर में, तो इस क्वेश्चन का भी मेरे हिसाब से ग्रेस मार्क मिल जाना चाहिए अगर आपने ए या डी कोई भी ऑप्शन चूज किया है। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ अ कम्युनिकेशन मोड इन विच द बोथ सेंडर एंड रिसीवर में ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली, तो जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों एक साथ जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं, उस मोड को कहते हैं फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ अ प्रिंटर, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कॉन्ट्रास्ट रेशो। नेक्स्ट देखिए, एन एस्केप सीक्वेंस बिगिंस विद डैश कैरेक्टर इन सी, तो एस्केप सीक्वेंस आपको पता है सी में बैक स्लैश से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द लेटर सी स्टैंड्स फॉर इन CMYK कलर मॉडल, तो CMYK मॉडल में सी का मतलब होता है साइन, इसका फुल फॉर्म है साइन मैजेंटा येलो एंड की मतलब ब्लैक। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट्स द एड्रेस ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज में एड्रेस ऑपरेटर होता है एंड, या जिसको एम्परसेंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्ज। अगला है, व्हाट इज द लिनक्स कमांड टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेसेस, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी PS, PS मतलब प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए, डैश इज अ नेटवर्क सर्विस टू रिजॉल्व द ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेसेस, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए DNS, DNS डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी थंडरबर्ड, मोजिला थंडरबर्ड ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द एलोकेशन ऑफ पब्लिक IP एड्रेसेस इन अ फेयर एंड कंसिस्टेंट मैनर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी IANA, यानी कि इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। नेक्स्ट देखिए, 70, व्हाट डज GPL मीन्स इन फ्री सॉफ्टवेयर वर्ल्ड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी GNU पब्लिक लाइसेंस। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर, तो आपको पता है हेक्साडेसिमल नंबर F पे एंड हो जाते हैं, 15 को हम F लिखते हैं, G नहीं होता है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी EFG। नेक्स्ट देखिए, द मॉड्यूलो ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डैश सिंबल इन सी लैंग्वेज, तो मॉड्यूलो ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए सी में परसेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रूथ टेबल फॉर NOR ऑपरेशन, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दोनों इनपुट अगर फॉल्स होंगी तो आउटपुट आएगी ट्रू, अगर दोनों में से एक भी इनपुट ट्रू हुई तो आउटपुट आएगी फॉल्स। ट्रू का मतलब यहाँ पे 1 है और फॉल्स का मतलब यहाँ पे 0 है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट मूविंग इट टू रिसाइकल बिन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, तो विंडोज में अगर आपको कोई फाइल डायरेक्टली डिलीट करनी है तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट की दबाएंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन वेब पेज, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रोग्राम। सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, मीडियम हो गया, मैसेज और प्रोटोकॉल, ये एसेंशियल कंपोनेंट है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर्स इज यूज्ड फॉर UTP केबल, तो UTP केबल के लिए RJ45 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ टेबल फील्ड इन MS Access 2013, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, टू टाइप ऑफ टेबल व्यूज इन MS Access आर डैश एंड डिजाइन व्यू, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डाटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू। नेक्स्ट देखिए, हाउ विल यू फाइंड द डाटा फील्ड्स बिगिनिंग विद द लेटर ए एंड बी बाय यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन डाटा शीट व्यू ऑफ अ टेबल इन MS Access, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में अगर आपको वो सभी फील्ड्स फाइंड आउट करनी है जो कि ए या फिर बी से स्टार्ट होती है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बड़ी ब्रैकेट्स में ए बी लिख के और एस्ट्रिक का साइन लगा देंगे, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टाइप्स इन MS Access टेबल इज रीड ओनली, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ
ODBC, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट देखिए, अ डैश की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल दैट इज प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इन डेटाबेस, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फॉरेन की। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि इस बाइनरी नंबर का डेसिमल में कन्वर्जन क्या होगा, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन सी 170। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -25 इन टूज कॉम्प्लीमेंट, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 111001। अब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 25 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 11001, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। अब मेंटिसा में हमें पता है कि टोटल 8 डिजिट्स होती हैं, तो इससे पहले की जो डिजिट्स होंगी 2 डिजिट इनको हम 00 कर देंगे और उसके बाद 1 लिख देंगे, तो 1 क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, माइनस का सिंबल। आपको पता है कि माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए पहली डिजिट को हम 1 कर देते हैं और प्लस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहली डिजिट जो है 0 कर देते हैं, और ये जो 2 जीरो लगाई है इनका कोई महत्व नहीं है यहाँ पे। तो 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप जितने भी बाइनरी डिजिट है इनको उल्टा कर देंगे, यानी कि 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, और पहली डिजिट आपको पता है कि ये नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये ऐसी कैसी रहेगी, बाकी डिजिट्स जो है रिवर्स हो जाएंगी, तो 00 का हो गया 11, फिर 00110। अब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम 1's कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड कर देते हैं, तो एक ऐड किया यहाँ पे, तो क्या आ गया 111001111। नेक्स्ट देखिए, विच डाटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी क्यू। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा इन MS Excel शीट, वट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय MS Excel फार्मूला इक्वल टू काउंट और A1 to C5, तो ये जो नाम दिए गए हैं इनको नेगलेक्ट करके सिस्टम क्या है बाकी के नंबर्स को काउंट कर लेगा, ऐड नहीं करेगा काउंट करेगा कि कितने नंबर है ये टोटल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 8। नेक्स्ट देखिए, अ डैश इज अ पावरफुल टूल इन एक्सेल टू कैलकुलेट समराइज एंड एनालाइज डाटा टू फाइंड आउट पैटर्न एंड ट्रेंड, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पिवट टेबल। नेक्स्ट देखिए, द सेल A1 इन अ सर्टेन MS Excel शीट कंटेन्स द वैल्यू 212, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय फॉर्मूला सीलिंग A15, तो सीलिंग का फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन डी 215। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय MS Excel फॉर्मूला इक्वल टू बेस 212.2.8, तो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा क्या गया है कि 212 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है जिसकी के लेंथ होगी बाइनरी नंबर की 8, तो अगर 212 को आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो आपके पास रिजल्ट आएगा ऑप्शन डी 11010100। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय MS Excel फार्मूला इक्वल टू कन्वर्ट 1.2 इन FT, ये एक्चुअल में यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पे जो वैल्यू दी है ना 102 दी है, तो इसका भी आपको ग्रेस मार्क मिल जाएगा। तो इन्होंने पूछा क्या है यहाँ पे कि 102 इंच को फीट में कन्वर्ट करना है, तो 102 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 8.5, यानी कि सी इसका आंसर जो है करेक्ट होगा। अब 12 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक फुट में 12 इंच होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा इन एन एक्सेल शीट, स्नो मार्क्स 16, 219, 38, 42, 540 और 624, तो ये जो फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है कि आपको इन नंबर्स का मीडियन निकालना है, तो मीडियन आपको पता है क्या होता है, सभी नंबर्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे और सेंटर का नंबर जो आएगा सबसे वो कहलाता है मीडियन। अगर सेंटर में 2 नंबर आते हैं तो फिर आप उनको ऐड करके और 2 से डिवाइड करेंगे तब आएगा मीडियन, तो यहाँ पे 2 नंबर्स ऐड करके जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 130.5। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, वैसे कोई भी आंसर जो है मैच नहीं कर रहा है, मैंने इस फॉर्मूला को एक्सेल पे भी रन करके देखा था तो 130.5 जो है आंसर आ रहा था, तो हो सकता है कि इसका भी आपको ग्रेस मार्क मिल जाए। नेक्स्ट देखिए, इन MS Excel अ डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्डेड की स्ट्रोक्स एंड माउस इवेंट्स दैट कैन बी रिप्लेड एज मेनी टाइम्स एज वन वांट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैक्रो। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एड्रेस इन MS Excel, तो MS Excel में कौन सा वैलिड एड्रेस नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन द सेल रेंज A10 टू D13 MS Excel, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 84। काफी लोगों ने इसका आंसर ए भी लिखा होगा 80, बट 80 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि A11 से A30 तक होती हैं 20 सेल्स, और अगर इस तरफ को जाएंगे हम तो A11 से D11 तक होंगी 4 सेल्स, तो 20 × 4 कितना हो गया 80, और A10 से लेके D10 तक भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तो प्लस 4 हो जाएंगी, तो आपका सही जवाब क्या होगा 84। नेक्स्ट देखिए द कंसेप्ट ऑफ डैश वॉज डिवेलप्ड बाई J.M. जैकवर्ड इन 18th century टू कंट्रोल टेक्सटाइल लूम्स, तो जैकवर्ड ने आपको पता है क्या इन्वेंट किया था, जैकवर्ड लूम, जिसको कि कार्ड ऑफ होल्स भी कहा जाता था, यानी कि एक तरह का वो पंच कार्ड ही था, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा।
नेक्स्ट देखिए, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर्स विच वर डिज़ाइंड यूजिंग द डैश टेक्नोलॉजी। तो आपको पता है कि माइक्रो प्रोसेसर को डिज़ाइन करने के लिए हम VLSI टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट देखिए, फ्लॉप्स इज़ अ यूनिट टू मेजर प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स? तो इसका आंसर आपको पता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, B2B, B2C, G2C और C2C आर द फॉर्म्स ऑफ। तो इसका सही जवाब होगा ई-कॉमर्स। नेक्स्ट देखिए, द डैश सेंसर इन अ मोबाइल डिवाइस ट्रैक्स द ओरिएंटेशन व्हेनेवर द डिवाइस इज रोटेटेड। तो इसका सही जवाब वैसे ऑप्शन डी एक्सेलेरोमीटर होना चाहिए, या ऑप्शन बी भी हो सकता है, क्योंकि एक्सेलेरोमीटर जो है ग्रेविटी का यूज़ करके ओरिएंटेशन बताता है, और जायरोस्कोप ये एंगुलर वेलोसिटी का यूज़ करके ओरिएंटेशन बताता है। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट डैश इज़ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस दैट लेट्स यू स्टोर एंड बैकअप योर फाइल्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वन ड्राइव। नेक्स्ट देखिए, इन मोबाइल फोन सिस्टम अ ज्योग्राफिक रीजन इज डिवाइडेड अप इनटू डैश टू इंप्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेल्स। अगला है, फुल फॉर्म क्या होगी IoT की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट देखिए, डैश इज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय Amazon टू प्रोवाइड स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, AWS, यानी के Amazon वेब सर्विसेज। नेक्स्ट देखिए, डैश इज अ रजिस्टर इन CPU दैट स्टोर्स द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। तो आपको पता है, एक्यूमुलेटर जो है इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। नेक्स्ट देखिए, इन डैश CPU एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज इंक्लूडेड इन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इमीडिएट। नेक्स्ट देखिए, विच इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो इसका सही जवाब आपको पता है, ऑप्शन बी, पेन ड्राइव होगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स हैज हाईएस्ट स्पीड एंड मिनिमम लेटेंसी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, CPU रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्यों? क्योंकि ये CPU का ही पार्ट होते हैं और CPU इनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट देखिए, द टू कैश मेमोरी राइट पॉलिसीज आर राइट बैक एंड राइट थ्रू। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम्स, पी रोम्स, ईपी रोम्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फर्मवेयर। नेक्स्ट देखिए, द डैश कीज ऑन क्वर्टी कीबोर्ड हैव स्मॉल बम्प्स ऑन देम टू हेल्प पोजिशन द फिंगर्स विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। तो आपको पता है, F4J की पे जो है दो बम्प्स बने होते हैं। नेक्स्ट रेड की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्लू रे डिस्क। नेक्स्ट देखिए, विच कॉम्पोनेंट ऑफ लेजर प्रिंटर मेल्ट्स द टोनर पार्टिकल टू फॉर्म परमानेंट इंप्रेशंस ऑन पेज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्यूजर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूजेस फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी कहाँ पे यूज की जाती है? सॉलिड स्टेट डिस्क में। नेक्स्ट देखिए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ डैश ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसका सही जवाब होगा CPU। नेक्स्ट देखिए, द डैश इन अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स द ऑप्शन टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ बूटिंग ऑप्शंस इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो आपको पता है, बूटिंग ऑप्शंस आप कहाँ से चेंज करते हैं? BIOS सेटिंग से। नेक्स्ट देखिए, विच इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट यूजेस मल्टीपल ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स टू ट्रांसफर मोर डाटा एट द सेम टाइम। तो इसके लिए आपको पता है, MIMO का यूज किया जाता है, यानी कि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये था JIIT 903 का कंप्यूटर का सेक्शन। बाकी 50 मार्क्स का जो रह गया है GK का सेक्शन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।